स्नेही बंधुओं, तप को मद ना, मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने, और मद धारे तो यही दोष वसो सम कित को मल ठाने। सम्यक दर्शन का मल है, मैल है क्या? अभिमान। यदि अभिमान आ गया तो वहाँ सम्यक दर्शन में मल, मैल, दोष आ जाता है। अभिमान जानते हो? अरे बोलिए ना, घमंड। किन चीज़ों का घमंड होता है? ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो बपो अष्टावासित मानितम इसमय माहुर गतस्मया, है ना? ज्ञान, पूजा, तप, रिद्धि, बल, रूप, धन, है ना, इनका बल होता, मद होता है। अब कब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। धन आता है पीछे से अभिमान आ जाता है, ज्ञान आता है पीछे से अभिमान आ जाता है। जरा सा पद आया तो पद का मद साथ साथ चला आता है। क्या समझते हो मुझे? मेरी इतनी चलती है, मेरा ये है, मेरा वो है। जहाँ ये मैं आया, ये मैं कौन है? ये मैं मानकषाय है। मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। हैं? एक बार एक बावड़ी के किनारे एक हिरण और हिरणी का जोड़ा पड़ा हुआ मिला। पास में एक सन्यासी की कुटिया थी। लोगों ने पूछा, महाराज ये दोनों एक साथ कैसे मर गए? ऐसे तो बहुत कम देखने में आता है कि दो प्राणी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हों एक जगह पर। होते तो बहुत सारे साथ साथ हैं, लेकिन ऐसे। बोले, ये बावड़ी में पानी पीने आए थे। फिर क्या हुआ? तो हिरण हिरणी से कह रहा था पहले तू पी, और हिरणी हिरण से कह रही थी पहले तू पी। दोनों तू पी के चक्कर में दोनों ने पानी नहीं पिया और दोनों मर गए। 25 वर्ष बाद फिर उसी जगह पर एक हिरण हिरणी का जोड़ा फिर से मरा हुआ मिला। लोगों ने सन्यासी से जाकर पूछा, महाराज ये क्यों मर गए? बोले, बावड़ी में पानी पीने की जगह जो थी वो एक जन पहले पी सकता था, और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊँ। वो मरे थे तू के चक्कर में, और ये मरे हैं मैं के चक्कर में। तू है, मैं हूँ। क्या? तू है, मैं हूँ। वैसा देखा जाए तो ना तू है ना मैं हूँ, एक शब्द है तुम। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। अंतर इतना है, तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। यदि इस मात्रा को हटा दिया जाए तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। तम यानी अंधकार। तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। भले ही ये मात्रा छोटी है, लघु है, पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। तो तू और मैं, जहाँ तू आ गया वहाँ प्रेम आ गया, और जहाँ मैं आ गया वहाँ, अरे बोलिए ना, अभिमान आ गया। लेकिन होता क्या है, कई बार चौके में आप देखना, माता जी ने कोई चीज़ ली, माता जी ने नहीं ली, या कोई चीज़ अच्छी बनी या कोई चीज़ खराब बनी। यदि अच्छी बनी हो
वाह क्या क्या बढ़िया बनी, मैं कुछ ना बोलूं लेकिन सामने वाले के स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा, चलते रहेंगे। और जैसे ये बात सामने वाला बोलता है तो जो बनाने वाला होता है उसके मन में कुछ कुछ होने लगती, मैंने बनाया है, मैं ही तो आई थी सुबह से, मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो बनाया है। और कोई चीज़ बिगड़ जाए, इससे कहा था मैंने, इससे पूछ के ही तो डाला था कितना नमक डालना है, इससे पूछ के ही तो किया था कितना मीठा डालना, मैंने थोड़ी किया, इसने किया है। जहाँ गड़बड़ होता है, जहाँ दोष आता है, वहाँ दूसरा हो जाता है, और जहाँ अच्छा होता है वहाँ मैं हो जाता है। बुराई लेने से बहुत डरते हैं लोग, और जो बुराई लेने से डरता है वो काम कर ही नहीं सकता है, वो तो यही सोचता रहेगा गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, वहाँ हम तो नहीं करेंगे, भाई देखो हम तो नहीं जा रहे, वहाँ बहुत दिन भर काम करना पड़ेगा, पहली बात तो थक जाएंगे और कहीं गलती हो गई तो और दिक्कत, ऐसा विचार आता ना। बहुत सारे लोग बुराई ना मिले इस बात को लेकर बहुत सारे काम नहीं करते हैं, और ऐसे लोग फिर जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। काम करना है तो अच्छाई भी होगी बुराई भी होगी। आज आज स्पेशलिस्ट तो आप हैं नहीं कि पहले दिन सबसे अच्छा काम हो जाएगा, पहले दिन तो बिगड़ेगा भाई, रोटी बना रहे हो पहली बार रोटी बना रहे हो, आटा सान रहे हो पहली बार आटा सान रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इधर लगेगा उधर लगेगा, गीला होगा टाइट होगा कुछ तो होगा, कुछ सोच के पहली बार में बढ़िया हो जाए तो उनको भाग्य समझना, पहली बार में बढ़िया हो जाए भाग्य समझना, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जब रोटी बनाते हैं तो पहली बार में गोल रोटी नहीं बन जाती है, एक कोना इधर निकलता है एक निकल इधर निकलता, धीरे 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 करके गोल होने लगती है ना। तो पहले दिन से स्पेशलिस्ट अब कोई सोचे रोटी गोल नहीं हुई तो नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी, गोल बनेगी नहीं मेरे से इसलिए मैं कभी बनाऊंगी नहीं, और तुम्हें गोल रोटी चाहिए खाने के लिए, तुम बिना गोल रोटी नहीं बनेगी तो तुम नाराज होगे, इसलिए मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम अपने हाथ से सासू जी आप अपने हाथ से बना लो रोटी, मेरे से गोल नहीं बनती है। ऐसा विचार करके रोटी बनाओ मत तो घर में भोजन ही नहीं बनेगा है। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पूजा नहीं आती है, बोले तत्वार सूत्र हम नहीं पढ़ते हैं, भाई क्यों नहीं पढ़ते, गलती ना हो जाए। हम भक्तांबर भी नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, गलती ना हो जाए। अरे सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो, सीख क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं सीख रहे, यदि सीख लिया तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत से लोग होते हैं, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोगों की बात करी, इसीलिए नहीं सीखते कि काम करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते कि सामने वाले ने काम बताया, काम बिगाड़ दो, दोबारा कहेगा ही नहीं, दूसरी बार कहा फिर बिगाड़ दो, वो कहेगा हमसे होते ही नहीं, कर लो अपने हाथ से, हमारा पसंद तो तुम्हें आता नहीं है, तुम अपने हाथ से कर लो। ऐसा करते कि नहीं करते हैं, नहीं नहीं आपकी बात नहीं है, ऐसा आपने किया क्या कभी पहले? हाँ दाल में काला है पंडित जी, हाँ दाल में काला दो बार किया है, हाँ बिगाड़ दो काम ताकि दोबारा कहेगा ही नहीं काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो तैरना नहीं आता है, अब तुम सोचो हमें तैरना तो आता नहीं है इसलिए पानी में तो हम उतरेंगे नहीं, और जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक मैं नदी में उतरूंगा नहीं, तो वो व्यक्ति कभी नदी में तैरना सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। नदी में तैरना सीखने के लिए नदी में उतरना जरूरी है। तो अंदर में जब छटपटाहट होती है किसी चीज़ की, जब जुनून आता है तो काम अपने आप होता है। इंसान के अंदर जुनून नहीं है काम करने का। हमारे भारत में कहा जाता है कि एक आदमी चार आदमी के बराबर खाता है। नहीं आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो डाइटिंग पर हैं।
आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो वैसे ही कमज़ोर है पहले से, अपने आप को कमज़ोर कर रखा, हमसे नहीं होता, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हम नहीं कर सकते, हमसे उठेगा नहीं, वो पहले ही कमज़ोर होके बैठे हैं। हैं पहले कही जाती थी कि एक आदमी चार आदमी के बराबर खाता है और चार आदमी एक आदमी के बराबर काम करते हैं, यानी काम चोरी। इसे क्या कहोगे? काम चोरी। भाई काम चोरी करके तुमने किसका बुरा किया? दूसरों का या अपना? मैं बार बार बताती हूँ कि मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। भाई हम कपड़े नहीं धोएंगे, तुम धो आज कपड़े, आज मशीन ख़राब है, हमसे नहीं धुलने वाले। मैंने पहले ही बताया, कपड़े धोने से अभी चर्चा कल चल रही थी, बोले उठा उठा के पटकते थे कपड़ों को, पटकते थे ना, जब मोटे कपड़े हों, सूती कपड़े हों, हैं, तो ये उठा उठा के पटकते थे और साफ़ हो जाते थे, और इन हाथों की पूरी मेहनत हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। अब कंधे जाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि काम नहीं करते हैं, शरीर पे जोर ही नहीं पड़ रहा है। जिस काम में जोर पड़े वो काम ही नहीं करते हैं। बटन दबाओ तो चटनी, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो गैस, बटन दबाओ तो कपड़े, बटन दबाओ तो सारे काम हो रहे बटन दबाने से। और मोबाइल भी ऐसा आ गया कि उसमें भी अब बटन भी नहीं दबानी पड़ रही है। पहले बटन दबाने वाले मोबाइल आते थे तो टक 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 अंगूठा तो काम करता था, अब वो अंगूठा भी काम नहीं करता, अब तो हल्के से यूं करते रहो, वो छोटा बच्चा भी उंगली खिसकाता रहता है। और लोग कहते विकास हो रहा है, क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब तुम विकास कहो इसे कि मेहनत नहीं करने के कारण बीमारियों की वृद्धि कहो। पहला सुख, बोलिए, पहला सुख शरीर में बीमारी है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। अब मोबाइल चलाने बैठो मन लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन करने बैठो मन लगेगा? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, क्यों? बीमारी है। अब मेहनत करो तो सब पच जाएगा। पहले तो कहते थे पत्थर भी खाओ तो पच जाएगा, किसका? जो मेहनत करता है। अब तो बेचारा एक चम्मच घी भी खा ले वो भी नहीं पचता है, क्यों? क्योंकि मेहनत ही नहीं करता है। चर्चा मद पर चल रही है, लेकिन ये भी जरूरी है। हाँ अब के लोग जाते जिम जाते हैं, पैसा देके आते हैं, घर का काम कर लें ना, जिम जा रहे हैं, हाथ की चक्की रख लें घर में, तो आटा पीस लें, जिम का काम हो गया। हैं कपड़े हाथ से धो लें, जिम का काम हो गया। हाथ से निचोड़ लें, जिम का काम हो गया। पीट पीट के कपड़ा धो लें, जिम का काम हो गया। और है क्या जिम में? जो घर में काम होते थे वही मशीनें वहाँ लग गई, वो गोल घुमाने वाली मशीन है क्या? नहीं है, है वहाँ पे। तो तुम यहाँ यहाँ क्या करते थे? पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे कर रहे हो, बात तो बराबर ही है, हैं? पहले पानी खींचते थे तो यूं करके यूं करते थे, यूं, हैं? और आप क्या कर रहे हो? अब वहाँ जिम में भी ऐसे ऐसे ही करते हो बैठ के। पहले दही बिलोते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, तो जिम में भी ऐसी कोई मशीन होगी जो ऐसे ऐसे करना पड़ता होगा, है क्या? देखो वही ना, घर। अब लोग कहते हैं विकास हो गया, कहाँ से विकास हो गया? काम तो वो ही कर रहे हो, जो काम पहले चल रहे थे वो ही काम अब चल रहे हैं। पहले अपने घर के चल रहे थे, अब पैसा दे के कर रहे हैं, हैं बंधुओं? फिर भी अभिमान, फिर भी घमंड, इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी घमंड। लेकिन ये जो घमंड है ये सम्यक दर्शन नहीं होने देता, ये घमंड भगवान के दर्शन नहीं होने देता, ये घमंड हमें अपनी आत्मा में नहीं जाने देता, ये घमंड स्वाध्याय नहीं करने देता, ये घमंड भगवान की पूजा नहीं करने देता, ये घमंड गुरुओं के सामने नहीं झुकने देता, ये घमंड हमें धर्म से दूर रखता है। इसीलिए इन आठ तरह के मदों को करने के लिए भगवान महावीर ने कहा है कि इन्हें नहीं करना चाहिए। और मद धारे तो यही दोष वसु,
वसु यानी आठ, वसु यानी आठ। तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने, जैसे चंद्रमा में दाग है तो लोग क्या कहते, अरे देखो वो दाग है चंद्रमा में, कहते ना चंद्रमा में, चंद्रमा को कभी भी वैसे नहीं निष्कलंक नहीं कहा जाता है, चंद्रमा में दाग कहा जाता है। ऐसे यदि अभिमान है तो सम्यक दर्शन में दोष है। और अभिमान किसका, जो मेरा है ही नहीं है, जो आज है और कल है ही नहीं है, उसका अभिमान। आज जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आज हवा भरी है, कोई ज़रूरी है कि ये गुब्बारा हमेशा फूला रहेगा, इसकी हवा कब निकल जाए, अरे बोलिए ना, पता नहीं चलेगा। ऐसे तुम्हारा अभिमान ना जाने कौन तोड़ दे, पता नहीं चलेगा। ये अभिमान भी एक हवा की तरह है, ज्ञान का अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, दिमाग खराब हुआ गया ज्ञान, जन्म परिवर्तन हुआ गया ज्ञान, कुछ दिन अभ्यास नहीं किया गया ज्ञान। धन का अभिमान, जब तक पुण्य है तब तक धन है, जिस दिन पुण्य चला जाएगा तो लक्ष्मी कौन से रास्ते से चली जाएगी पता नहीं चलेगा। उस लक्ष्मी का अभिमान मत करो। रूप का अभिमान, आज सुंदरता है, बार बार शीशा झांक झांक के देखते हो, फिर बाल सुधारते हो, फिर लटें सुधारते हो, फिर भौंए बनाते हो, फिर क्रीम लगाते हो, फिर पाउडर लगाते हो, आज है ये रूप और कल नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा तो एक एक झुर्रियाँ पड़ जाएंगी शरीर में। समय परिवर्तनशील है, रुकता नहीं है, एक समय आएगा जब शक्ल देखने का मन भी नहीं करेगा आईना में। हैं, आज तो क्या, वो क्या कहते हो आजकल, कौन सा वो खजूर, पिंड खजूर क्या आ रहा है इस समय, पिंड खजूर, और फिर बाद में छुहारा, क्या किसको कह रही मैं, उसकी बात नहीं कर रही, छुहारे की सिलवट सलवट देखी है, छुहारे में कितनी सलवट होती है, ऐसे इन हाथ और मुंह में सलवटें पड़ जाएंगी। जब तक छुहारा है तब तक आईना देख रहे हो, खूब बार बार जाके आईना में झांक झांक के देखते हो, ये लगाओगे वो लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, अब समय परिवर्तन होने दो, वही शक्ल तुम्हारी छुहारा बन जाएगी। जिस शक्ल पे इतना अभिमान है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, ये तो एक काली है, ये तो गोरी है, ये तो ऐसी है, ये तो ठिगनी है, ये तो ऐसी, मेरी हाइट तो बहुत अच्छी है, तू तो टिग्गी सी है, तू तो ऐसी है, अरे शरीर है। मोक्ष जाने में, धर्म करने में काला रंग बाधक नहीं है, मोक्ष जाने में शरीर का बेसुंदर होना बाधक नहीं है, शरीर को मोक्ष जाने में, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा, जाएगी तो आत्मा, लेकिन यदि कोई ठिगना शरीर वाला है तो क्या मोक्ष नहीं जा सकता, कोई धनहीन है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है, किसी के पास में अधिक ज्ञान नहीं है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है, किसी के पास में शरीर में शक्ति कम है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता, कर सकता है। ये सारी चीज़ें बाधक हैं ही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर में दृष्टि है तो शरीर से संबंधित विचार आते हैं, बाहर दृष्टि है तो बाहर से संबंधित विचार आते हैं, जब ये दृष्टि हमारी ज्ञान में और आत्मा में चली जाएगी तो वहाँ के विचार आने शुरू हो जाएंगे। मैंने वो एक स्मार्ट कौन एक किताब लिखी है, स्मार्ट कौन है ना, स्मार्ट मोबाइल, तुम्हारे तुम थोड़ी स्मार्ट हो सकते हो, आजकल तो मोबाइल स्मार्ट चल रहा है, स्मार्ट मोबाइल, इंसान की बात है या मोबाइल की बात है स्मार्ट होने में, अरे बोलिए ना, हैं, इंसान स्मार्ट होता है नहीं, जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल होता ना वो स्मार्ट होता है, इसलिए मोबाइल का नाम स्मार्ट रख दिया कि इसको खरीदने वाला स्मार्ट है, ताकि लोग फटाफट खरीदे। जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं, लोग कहते बेकार है, ये सड़ियल से फ़ोन लेके घूम रहा है, ऐसे कहते नहीं कहते एक दूसरे को, हैं, यानी मोबाइल अच्छा है तो तुम अच्छे हो, और मोबाइल अच्छा नहीं है तो
तुम भी अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी जो अच्छाई है वो किसके माध्यम से नापी जा रही है? मोबाइल के माध्यम से। गलत। तुमने अच्छी साड़ी पहनी है तो तुम अच्छी हो, सुंदर हो, और तुमने अच्छी साड़ी नहीं पहनी है तो तुम अच्छी नहीं हो। तो तुम्हारी अपनी क्या कीमत रही? साड़ी अलग, तुम अलग। तुम्हारी कोठी बंगला गाड़ी बढ़िया है तो तुम अच्छे हो, और वो अच्छे नहीं है तो तुम अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी क्या कीमत? ये तो कोठी गाड़ी बंगला की क्वालिटी है। अरे बोलिए ना, है? यानी वस्तु के माध्यम से स्मार्ट बन रहे हैं। यदि इसके माध्यम से स्मार्ट बनते, कपड़ों से स्मार्ट बनते हैं, तो जो कपड़े की दुकान में वो खड़ी होती ना डमी, वो स्मार्ट होनी चाहिए। तुम्हारी क्या क्वालिटी? वो तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छी हो गई। यदि अच्छा डायमंड सेट पहन के अच्छा बना जा सकता, तो डायमंड सेट की दुकान में बहुत अच्छी अच्छी डमी बैठी होती हैं, और उनके गले में हार होता है, वो तुमसे अच्छी हैं, तुमसे स्मार्ट हैं। वो नहीं, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसका काम अच्छा होता है, जिसके काम करने की जुनून और क्षमता अच्छी होती है, जो अच्छे विचार करके खुद अच्छे से रहता और सबको अच्छे से रखता है, वो स्मार्ट होता है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो स्मार्ट होता है। तो स्मार्ट कौन? किताब मैंने एक बहन को पढ़ने के लिए दी, एक लड़की कॉलेज की, वो पढ़ के आई, वो मुझे बता रही थी। बोले माता जी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोले आपने बताया जिसको प्यार करोगे वैसे ही बनोगे। मैंने कहा ये तो दुनिया की रीति है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ तुम्हारी चाह है उसी रास्ते पर जाओगे और वैसे ही बन जाओगे। बोले आपने लिखा है कि लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, और बहुत प्यार करते, थोड़ा भी बहुत प्यार करते हैं, और जो जिनसे ज़्यादा प्यार करेगा अगले जन्म में, अरे बोलिए ना, वही बनेगा। हैं, अभी कल जब ऊपर पहाड़ पे गई तो कुछ जो खच्चर हैं, गधे हैं, वो सामान लेकर जा रहे थे, तो उनका मालिक बोला कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ ये अगले जन्म में मनुष्य बने। एक व्यक्ति खड़ा था, बोले अच्छा फिर तू गधा बनेगा। बोले ये गधे मुझे बहुत प्यारे, वो बोला ये गधे मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसी भावना करता हूँ कि ये मनुष्य बने। फिर बोले तू अगले जन्म में गधा बनेगा, फिर ये तुझे हाँकेगा, फिर अगले जन्म में ये तुझे प्यार करेगा, फिर तू इसे प्यार करेगा, और ये कहानी चलती रहेगी। बस यही तो नहीं पता है कि किसे प्रेम करना है और किसे नहीं करना है। जो मिला अट्रैक्ट हुए और प्रेम शुरू। कुत्ते से प्यार करोगे कुत्ता बनोगे, नोटों से प्यार करोगे नोट में कीड़ा बनोगे। आपने ये तो सुना ही है कि पहले के लोग धन से प्रेम करते थे तो मर करके उसी धन पे जाके बैठते थे, सुना है ना? तो इसका मतलब जिससे प्रेम करोगे वो चीज़ में वहाँ पहुँचोगे ना, भले सांप बन के पहुँचना पड़े मगर वहाँ पहुँचोगे। मकान से ज़्यादा प्रेम करोगे छिपकली बनोगे, चिपके रहोगे मकान में, मेरा मकान। तुमसे ज़्यादा तो छिपकली ज़्यादा अटैच होती है मकान से, मेरा मकान। कौन है वो मकान से प्रेम करने वाला प्राणी? हाँ, छिपकली छिपती रहती है, कभी फोटो के पीछे, कभी पर्दे के पीछे छिपती रहती है, इसलिए इसको कहते छिपकली है। तो स्मार्ट बनना है तो विचारों से बनो, भावों से बनो। कपड़ों से स्मार्ट नहीं होते हैं, ज्वेलरी से स्मार्ट नहीं होते हैं, हैं, अच्छे मकान से स्मार्ट नहीं होते हैं, अच्छी गाड़ी से स्मार्ट नहीं होते हैं। स्मार्ट होते हैं विचारों से, भावों से। और यदि भाव देखे जाएं तो भगवान के अलावा दुनिया में स्मार्ट कोई और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का मतलब दिन भर दूसरों की कमियां देखना, दिन भर दूसरों का अपमान करना। कल मैं यहाँ का एक पुराना रजिस्टर पढ़ रही थी, उसमें कई बातें लिखी थी।
और उसमें ये भी लिखा था कि इस क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और रजिस्टर मेरे ख्याल से 50 साल पुराना होगा। यानी ये बात 50 साल से चल रही है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए 50 साल से। लेकिन जब समय आता है तब काम होता है। जब समय आता है तो खेत में धान होती है। जब समय आता बादल पूरे बन जाते हैं, पूरा वातावरण बन जाता है। बादल के आने से बारिश नहीं होती है। तुम सोचो आकाश में बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी, नहीं। अभी बारिश होने के लिए और भी कई चीजें चाहिए। हवा का दबाव कैसा है, बादलों में पानी कितना है, वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कि अभी वहीं रहने वाला है, कि वहीं के वहीं सूर्य की किरणों द्वारा सोख लिया जाएगा। बारिश हो, बादल है और बारिश हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हम प्रयास करें, भाव बनाएं और काम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी काम करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार कार्य जब पूरे होते हैं तो काम होता है। द्रव्य है, क्षेत्र है और भाव है। काल नहीं है क्या? काल नहीं है, अभी समय नहीं आया है तो काम नहीं होगा। इसी तरह समय भी है, क्षेत्र भी है, भाव भी है, मगर स्थान नहीं है, ले तो भी काम नहीं होगा। किसी भी काम करने के लिए इन चारों की आवश्यकता होती ही होती है। जब तक ये चारों पूरे नहीं होते हैं तब तक काम नहीं होता। चाहे तुम्हारा यहाँ का हो, चाहे घर का हो, चाहे पर कोई भी काम हो, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। लेकिन फल मिलना नहीं, नहीं, ऊपर वाले नहीं, वो भी कर्मों के हाथ में है। ऊपर वाला तो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, उसने तुम्हारे हाथ की बागडोर ली नहीं अपने हाथ में। वो तो कह रहा तुम अपनी तुम खुद संभालो, यदि मैंने ले ली तो तुम गड़बड़ करोगे, मेरे ऊपर डाल दो बागडोर। भैया आप ही पकड़े हो तो आप ही संभालो। भजन तो ऐसे ही गाते हो, भगवान तुम ही संभालो, तुम ही संभालो, भगवान नहीं संभाल रहे। लेकिन उनके बिना भी कुछ नहीं होता है, है ना? वो कुछ नहीं करते हैं और उनके बिना भी कुछ नहीं होता है। कर्ता हम नहीं है, हम केवल निमित्त हैं। क्या है? निमित्त हैं। हमारा प्रयास, हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, मगर फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने केवल भावों के कर्ता हैं। हम द्रव्य के कर्ता नहीं है, हम क्षेत्र के कर्ता नहीं है, हम काल के कर्ता नहीं है। हम केवल किसके कर्ता हैं? हम केवल भाव बनाने के कर्ता हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। और जब द्रव्य क्षेत्र काल हो जाएगा तो हमारे भाव पूरे हो जाएंगे। और द्रव्य क्षेत्र काल नहीं होगा तो हम कितना प्रयास करें, भाई मिट्टी का घड़ा बनता है, ठीक है ना? किसने बनाया? अरे बोलिए ना, कुम्हार ने। किसने बनाया? जोर से बोलिए। गलत। जब तक मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत नहीं होगी तब तक वो घड़ा नहीं बनेगा। यदि कुम्हार घड़ा बना रहा है तो रेत का बना के बता दे। सबसे पहले मिट्टी की उपादान शक्ति है कि उसमें घड़ा बनने की ताकत है, तब उस कुम्हार ने, और वो उसके उपादान को जानता है, वो उसकी शक्ति को जानता कि ये घड़ा बन सकती है तो उसने बनाया है। तो सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य का उपादान जरूरी है, फिर क्षेत्र का उपादान जरूरी है, फिर काल का उपादान जरूरी है, और भाव तो हमारे हैं ही हैं। अरे बोलिए ना, नहीं है, है ना? ठीक है। तो बंधुओं,
बस ये भावना भाना भगवान के सामने कि प्रभु जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी काम भले हाथ भले हमारे हैं, हाथ भले हमारे हैं, भाव भले हमारे हैं, शरीर भले हमारा है, मगर आपकी कृपा के बिन कुछ भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अभी जब भेजेंगे आपको तो वेदी के सामने आपको भाव बनाना है और भाव बना के भगवान से निवेदन करना है कि अपनी कृपा बरसाएं ताकि जो कार्य करने जा रहे हैं वो हो जाए। यहाँ के क्षेत्रपाल जी को निवेदन करना कि आपके बिना भी ये काम संभव नहीं है, इसलिए आप भी अपना सहयोग करें और आप भी पुण्य अर्जन करें, आप भी हम सबकी रक्षा करें, आप भी प्रभु की सेवा करें ताकि ये जैन धर्म की पताका ऊंची उड़ती रहे। और जो जिसको वजन उठाने की आदत नहीं है ना, वो छोटी प्रतिमाएं लेना, बड़ी मत लेना, ये ध्यान रखना। अपनी अपनी क्षमता सबको पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, उससे ज्यादा उठा के असावधानी मत करना।
मिटावे। जैसा कि हम लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं था, हमारा बच्चा कोटा में पढ़ता है, लेकिन एकाएक सुबह भाव हुए कि चलो जहाजपुर इतने पास है, अगले महीने हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, इतना शांति, इतना सुंदर, ऐसी फीलिंग हुई जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुण गान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुण गान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा